कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंची हैं हमारे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं। लल्लू जी, आज प्रियंका गांधी फिर से आई हैं, एक महीने में दो बार उनका लखनऊ में दौरा है, आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे? भैया, वो कल भी थी, आज भी है, लगातार है, लोगों के विश्वास में, भरोसे में है। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रियंका गांधी का तो उत्तर प्रदेश घर है, और घर में कोई रोज आता जाता थोड़े हो, तो यही रहता है, यही निवास करता है। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे प्रियंका जी के? देखिए, जो आने वाले दिन में कांग्रेस प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन है संभागों में, जो आने वाले दिन में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी है, हम वचन निभाएंगे। और खासकर जो बूथ और ग्राम सभा इकाइयों का प्रशिक्षण होना है, उसी के संदर्भ में बैठक करने, स्ट्रेटर्जी कमेटी, प्लानिंग कमेटी के साथ चर्चा करने और उसको अंतिम रूप देने के लिए आए हैं। आज भी कोई कार्यक्रम रहेगा शाम तक के उनका? देखिए, अभी तो यहाँ वो हैं, अभी कुछ देर बाद आपको बताया जाएगा। कल आप कांग्रेस जो पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करने वाली, क्या कुछ वजह है? कि जिस तरह प्रतापगढ़ में आराधना मिश्रा मोना जी जो सीएलपी लीडर है, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी जो सीनियर लीडर है, उनके खिलाफ सरकार ने मुकदमा लिखा है, फंसाने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ इस साजिश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कल उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपेगी और ये मांग करेगी कि इस पूरे घटना की निष्पक्ष जांच हो। आगे कितने दिन तक की प्रियंका गांधी यहाँ लखनऊ में रहेंगी? भैया, मैंने क्या कहा, कल भी थी, आज भी है, आने वाले दिन में भी रहेंगी, रोज रहेंगे, आपके विश्वास में, भरोसे में है प्रियंका जी। ठीक है, हमारे साथ अजय कुमार लल्लू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रियंका गांधी लखनऊ आई हैं और जो कांग्रेस है, हालांकि कल जो पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर प्रदर्शन भी करने वाली है, प्रियंका गांधी अभी लखनऊ में है, आज भी थी, कल भी हैं और आगे काफी समय तक के रहने वाली है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंची हैं हमारे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं। लल्लू जी, आज प्रियंका गांधी फिर से आई हैं, एक महीने में दो बार उनका लखनऊ में दौरा है, आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे? भैया, वो कल भी थी, आज भी है, लगातार है, लोगों के विश्वास में, भरोसे में है। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रियंका गांधी का तो उत्तर प्रदेश घर है, और घर में कोई रोज आता जाता थोड़े हो, तो यही रहता है, यही निवास करता है। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे प्रियंका जी के? देखिए, जो आने वाले दिन में कांग्रेस प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन है संभागों में, जो आने वाले दिन में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी है, हम वचन निभाएंगे। और खासकर जो बूथ और ग्राम सभा इकाइयों का प्रशिक्षण होना है, उसी के संदर्भ में बैठक करने, स्ट्रेटर्जी कमेटी, प्लानिंग कमेटी के साथ चर्चा करने और उसको अंतिम रूप देने के लिए आए हैं। आज भी कोई कार्यक्रम रहेगा शाम तक के उनका? देखिए, अभी तो यहाँ वो हैं, अभी कुछ देर बाद आपको बताया जाएगा। कल आप कांग्रेस जो पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करने वाली, क्या कुछ वजह है? कि जिस तरह प्रतापगढ़ में आराधना मिश्रा मोना जी जो सीएलपी लीडर है, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी जो सीनियर लीडर है, उनके खिलाफ सरकार ने मुकदमा लिखा है, फंसाने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ इस साजिश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कल उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपेगी और ये मांग करेगी कि इस पूरे घटना की निष्पक्ष जांच हो। आगे कितने दिन तक की प्रियंका गांधी यहाँ लखनऊ में रहेंगी? भैया, मैंने क्या कहा, कल भी थी, आज भी है, आने वाले दिन में भी रहेंगी, रोज रहेंगे, आपके विश्वास में, भरोसे में है प्रियंका जी। ठीक है, हमारे साथ अजय कुमार लल्लू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रियंका गांधी लखनऊ आई हैं और जो कांग्रेस है, हालांकि कल जो पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर प्रदर्शन भी करने वाली है, प्रियंका गांधी अभी लखनऊ में है, आज भी थी, कल भी हैं और आगे काफी समय तक के रहने वाली है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए।